नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें जो मशरूम फार्मिंग हमने करी थी सीजनल फार्मिंग में, तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ और कितना हमारा खर्चा आया, और उसी के साथ कंपोस्ट बनाने में क्या खर्चा रहा, और अगर कोई प्रोडक्शन के टाइम में कोई खर्चा हुआ वो, और साथ में बेचने में क्या कुछ रहा प्रॉफिट वगैरह, सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारा शुरू से जब कंपोस्ट हम तैयार करते हैं तो उससे हम शुरुआत करते हैं कि कंपोस्ट बनाने में जब हम 1 क्विंटल सूखी तूड़ी लेते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है वो लेते हैं, तो उसके अंदर अगर 1 क्विंटल सूखी तूड़ी है तो उसके अंदर खर्चा आएगा लगभग 800 रुपये। 800 रुपये का खर्चा आने के बाद वो 1 क्विंटल तूड़ी वो तैयार होकर 2 क्विंटल कंपोस्ट में बन जाएगी, यानी 20 बैग बन जाएंगे उसके, 800, 850 या फिर 900। वो डिपेंड करता है कि जो हमने गेहूं का भूसा लिया और साथ में चिकन मैन्योर है वो, और चोकर वगैरह है वो, सबका प्राइस क्या रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम सेविंग भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर गेहूं का भूसा हमें पहले सस्ता मिल रहा होता है तो वो पहले ले लें, और बाद में अगर जब हमें मशरूम फार्मिंग के लिए कंपोस्ट बनानी होती है तो उस टाइम ऑफ सीजन में ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो वो सब थोड़ा बहुत आप सेविंग भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो 800 रुपये के लगभग खर्चा आता है। मैं इसमें के अंदर आइडिया लेके चलता हूँ कि 450 रुपये पर क्विंटल सूखी तूड़ी मिली हमें, गेहूं का भूसा 450 मिला है। तो अगर आपको सस्ता मिलता है तो वो प्राइस कम कर लीजिए, और अगर आपको महंगा मिलता है तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 450 से ऊपर कर लीजिए पर क्विंटल का, सूखे का वजन बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे दोस्तों हमें 300 क्विंटल जो सूखी तूड़ी है, जो गेहूं का भूसा है, उससे बनानी थी कंपोस्ट, तो उसके लिए हमारे अगर 800 रुपये के आसपास तक करें, मैं पूरा कैलकुलेशन एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्या है कि एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर पूरा फिक्स ही बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक एक कवर करनी पड़ेगी। वो कभी मैं जैसे सजेशन भी मिला था मुझे कि लाइव स्ट्रीम कीजिए, तो उसमें कभी मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूँगा, क्या टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उसके अंदर 800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत खर्चा आता है तूड़ी और चिकन मैन्यू और चोकर जिप्सम वो सब मिला के, जो पलटाई भी लग करवाते हैं हमें, जैसे ट्रैक्टर से हो गई या फिर लेबर अगर लगवाते हैं तो उन सब से भी करवा सकते हैं, तो वो सब 2.5 लाख के आसपास तक खर्चा आता है। तो आप उसमें से एक अलग पोर्शन निकाल सकते हैं, 2.5 लाख का एक अमाउंट अलग रखिए कि इतना खर्चा पहले पोता गया। उसके बाद उसके बैग बनाने, पॉलीथीन या फिर अगर बेड लगा रहे हो तो तिरपाल वगैरह और कागज़ जो भी है उसका, और स्पोन का, स्पोन जैसे 700 ग्राम एक बैग के अंदर पड़ता है, और हमारे लगभग 6,000 5,500 के आसपास बैग थे, तो उसमें खर्चा आया लगभग 35,000 के आसपास तक का खर्चा आया। तो 2.5 लाख प्लस 35,000 तो वो हो गए 2,85,000, 2,85,000। तो स्पोन और कंपोस्ट का 2,85,000 हमारा खर्चा आ गया, और लेबर वगैरह जो कंपोस्ट बनाने की थी तो वो 850 के अंदर ही कवर हो जाती है। उसके बाद जो बैग पैकिंग करने या फिर जैसे बैग भरने या फिर रूम के अंदर लगानी, तो उसका मैं एक पोर्शन आपको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं अपन जो प्रोडक्शन मिलता है उस पर। हमें जो प्रोडक्शन मिला वो मिला, अगर हम 6,000 बैग करते हैं, 5,500 सॉरी, लगभग 5,500 ही थे, तो उसके अंदर हमें अगर प्रोडक्शन मिलता है 2 kg तो उसका प्रोडक्शन होगा 110 क्विंटल। लेकिन हमारे इतना प्रोडक्शन मिला नहीं, हमें मिला सिर्फ ही 40 क्विंटल, यानी आप मान सकते हो सिर्फ आधे से भी कम। उसका कारण आपको भी पता है, जैसे ग्रीन मोल्ड, इंकी केप और फाल्स ट्रिपल, वो सब रोग, ग्रीन मोल्ड भी लास्ट तक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और साथ में हमारे राजस्थान में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर कम आता है तो वो बहुत कम आ जाता है, और अगर गर्मी आती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मशरूम निकलने में बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे हरियाणा, हिमाचल या फिर यूपी वगैरह में देखें तो वो एक मेंटेन रहता है, बहुत कम ऊपर नीचे होता है टेम्परेचर, तो वो सब हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो वो लगभग हमें 1 kg के आसपास तक ही मिला जो प्रोडक्शन है, वो 1 kg से भी कम मिला, क्योंकि 55 क्विंटल होना था, 10-15 क्विंटल और मिलता तब वो 1 kg पर बैग से होता, तो 1 kg भी मिला। और 40 क्विंटल अगर हम सेल करते हैं, एवरेज प्राइस 100 रुपये, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो शुरू शुरू में प्राइस था वो कम था, और बाद में जब लास्ट में मिला तो वो थोड़ा ज़्यादा था। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आपकी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि प्रोडक्शन कितना है वो सबके लिए, तो
उसमें मैंने बताया था कि हमें जो प्रोडक्शन मिला था उस टाइम, शायद मैं देख लेता हूँ, लिखा हुआ है थोड़ा बहुत मेरे पास एक आइडिया बताने के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 34 क्विंटल जो टोटल उस टाइम तक हमें मशरूम मिली थी, और बाद में वो थोड़ा बहुत तो 6 क्विंटल और मिली हमें, तो वो 40 हो गई। और साथ में उस टाइम 3 लाख की सेल करी थी, और बाद में 80,000 90,000 तक की सेल हुई। तो टोटल सेल तो मैंने आपको जैसे अभी बता ही दिया कि 4 लाख की सेल हुई थी टोटली, और उस टाइम 90 रुपये पर केजी की एवरेज थी, लेकिन बाद में वो जो लास्ट का टाइम था उसमें 140 रुपये पर केजी थी। तो दोनों को अगर एवरेज माने तो वो 98 रुपये के आसपास आती है। तो वो जैसे 100 रुपये मैं आपको पे फिर भी बता रहा हूँ, तो 40 क्विंटल प्रोडक्शन मिला, 100 रुपये बिकी, और 4 लाख पास हमें पूरा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं पूरी सेल हुई, तो 4 लाख के आसपास तक की पूरी सेल हुई। अब 4 लाख में से खर्चे को जैसे मैंने पहले बताया था, 2,80,000 जो 85,000 आपको पहले बताया था कंपोस्ट का, साथ में स्पोन का, तो वो सब निकाल देते हैं, और प्लस में जो पैकिंग का खर्चा और वो सब था, तो वो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा। जैसे मैंने पहले भी किया, पहले भी बताया था कि जो हमें बैग फिल करने होते हैं या फिर जो बेड में अगर भी लगाते हैं तो कंपोस्ट लगवाने का भी तो खर्चा होता है, उसमें भी लेबर लगती है, तो वो भी मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि हमें 40 क्विंटल प्रोडक्शन मिला, 6,550 बैग थे, और उसमें एवरेज थी 100 रुपये पर केजी, और उसी के साथ है टोटल जो सेल हुई वो 4 लाख की। वो सब अलग करने के बाद 4 लाख का में जो सेल हुई टोटल, उसकी वो एक सेक्शन हो गया। उसके बाद हमें जो कंपोस्ट बनानी थी उसका 2,85,000 एक हो गया। अब खर्चा आता है वो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, तो वो खर्चा आता है लगभग जो फ्यूल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन है और सब कुछ मिला के बस वगैरह का तो खर्चा आता है 30,000 रुपये 40 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करने का, और उसी के साथ जो पैकिंग है उसका हमने 50,000 खर्च किया था। जैसे 25,000 के आसपास तो हम जैसे 25 से 30 हज़ार के आसपास तक तो हमने बॉक्स पैनेट जो ट्रे है उसका खर्च किया था, और उसी के साथ है 15,000 के आसपास है हमने जो फिल्म रोल है उसका हमें खर्चा आया, और उसी के साथ है एक्स्ट्रा खर्चा जो भी आ जाता है, तो वो मैं इसमें बता देता हूँ कि 20,000 खर्चा मैंने ऐड किया है। तो ये 20,000 आप चाहे उसमें मान लो कि जो हमने लेबर वगैरह लगाई, या फिर बहुत ज़्यादा जब हमें 2 क्विंटल के आसपास पर डे का प्रोडक्शन मिला था तो उस टाइम थोड़ी बहुत लेबर भी लगवानी पड़ी वो मान लो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर खर्चा थोड़ा बहुत बीच में आता है, सोलर हमने बाद में लगवाया था तो सोलर का कनेक्शन पूरा अच्छे से था नहीं, वो सिर्फ घर पर था, तो वो सब भी थोड़ा बहुत आ जाता है। और छोटी मोटी चीज़ें करके पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन लेबर 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है अगर हम 5,500 बैग लगाते हैं। तो उसके जो बहुत ज़्यादा लेबर भी मैंने नहीं जोड़ी है क्योंकि हमने खुद ने भी बहुत ज़्यादा काम किया था, ज़्यादातर हम खुद ही जो सेविंग करते हैं तो वो ही ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोची थी, तो वो भी एक मैटर है, आप कम ज़्यादा उसमें भी कर सकते हैं। तो 1 लाख वो हो गया, और मैंने 2,85,000 पहले भी बताया था, तो 3,85,000 टोटल खर्चा आ गया। थोड़ी बहुत सेविंग एक्स्ट्रा भी करें तो 3.5 लाख तक मान सकते हो कि जैसे 3,85,000 की बजाय 3.5 लाख तक हमें टोटल खर्चा आया, और जो सेल हुई वो 4 लाख की थी। तो सिंपल सा यही है कि 50,000 बचत हो गई, और ये भी हाँ बचत ही है, प्रॉफिट नहीं मान सकते क्योंकि हमने अगर लेबर एक्स्ट्रा लगवा ली होती, हम खुद काम ना करते, या फिर अगर बिल्कुल ही सेविंग करते हुए न चलते तो वो भी 50,000 की भी बचत नहीं होती। बचत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमें नॉलेज मिली और जो हमें एक्सपीरियंस मिला वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने इससे पहले ना तो किसी ग्रीन मोल्ड का, ना किसी इनकी के फाल्स ट्रफल, वाइट मोल्ड, और भी कई तरह के रोग आए थे, तो वाइट प्लास्टर मोल्ड, तो इन सब का नाम तक नहीं सुना था। इस बार ये सारी प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन भी मिला, यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली, और आपसे भी, यूट्यूब जो हमारा ये चैनल है इसके इससे भी हमें हेल्प ही मिली, तो उससे भी ज़्यादा सीखने को मिला, तो ये सब सीखने को भी बहुत कुछ मिला। अगर हम यही सोचे कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो उससे ज़्यादा हमें सीखने को मिला, आगे जो भी अब अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम उसको ज़्यादा जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। तो अभी अंधेरा हो गया है तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, यही आपको बताना था।
और केसिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, जैसे सेलर की राख और ये भी ऐड नहीं किया, तो वो थोड़ी बहुत सेविंग ही मान लो कि इतना 50,000 के आसपास है जो प्रॉफिट या फिर सेविंग जो भी कहना है वो हो जाता है। और एक पिछले वीडियो में जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या फिर इसके बारे में कितनी हमें अभी तक सेल जो मशरूम मिली थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि भाई कैलकुलेशन कर लो अच्छे से। तो कैलकुलेशन करने में नहीं है बैठा हूँ यहाँ पर, और तो उसका सिंपल सा जवाब इस वीडियो में यही है कि अगर आप भी सजेशन करते हो कि कैलकुलेशन कर लो या फिर आपने ऐसे ऊपर ऊपर का बता दिया, तो भैया ऐसा है कि अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक 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 चीज़ कोई बताता भी नहीं है आपको। ऐसे तो मैं ये भी बता सकता था कि हमें एक बैग से 2 किलो मिला और 100 क्विंटल हमें मशरूम मिल गई, उसका इतना इतना 10 लाख 20 लाख की हमें प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ भी बता सकता था। किसको बताया कि हमें कितना मिला या फिर कितना नहीं मिला, हमें ही तो पता है। तो बात है सही बताने या ना बताने की, एक आइडिया बताने का। तो प्रॉपर एक एक पैसे का हिसाब तो अगर पूरी फाइलें लगाएं तो भी कम ज़्यादा हो ही जाता है, तो हमने कभी किया ही नहीं है नहीं और शायद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि खुद का काम है, और करेंगे भी तो भी आगे बताएंगे, अभी तक तो हमने किया नहीं। पूरा एक मोटा मोटा आइडिया आपको बताया था तो वही अभी बता रहा हूँ आपको। तो और ये जो प्रॉफिट और लॉस की बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके इतना ही नुकसान हो या फिर इतना ही फ़ायदा हो, ज़्यादा भी हो जाता है, और अगर कोई गलतियाँ ज़्यादा कर देता है या फिर सीखता नहीं है तो उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे बहुत से केस मेरे पास भी आए थे, कमेंट मुझे भी पढ़ने को मिलते हैं कि इतना नुकसान हो गया या फिर इस बार अच्छा नहीं हुआ, तो वो सब है भैया इसका सीधा सा यही जवाब है कि आप पहले सीखिए फार्मिंग। जैसे अभी हम ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत जुगाड़ सा ही कर रहे हैं, तो उसमें हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि हमारे इतना कमरा है, हमारे पास 2 कमरे हैं, हम एसी लगा लें, कौन सी एसी लगाएं। तो आप अगर सीजनल फार्मिंग करते हैं, आपको पूरी नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, पूरी तो किसी को नहीं होती है, तो भी आप ऐसी फार्मिंग कीजिए। अदरवाइज़ आप 1 साल 2 साल 3 साल जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ अभी मैं बिना पूछे सीजनल फार्मिंग कर सकता हूँ, किसी से भी ना पूछने की जरूरत पड़े, तभी आप एसी की तरफ जाइए। अदरवाइज़ आप सीधा यही सजेशन होगा कि आप जो रेगुलर फार्मिंग है, सीजनल फार्मिंग है, वो कीजिए पहले, बिन सीधा एसी फार्मिंग में मत जाइए, क्योंकि उसमें आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है और अगर मशरूम प्रोडक्शन अगर बीच में रुक भी जाए तो आपका एसी चलता रहेगा लगातार, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसमें, तो वो ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, उसमें फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें तो फिर भी देख लेते हैं, चलो कंपोस्ट का खर्चा आता है, थोड़ा बहुत और खर्चा आता है, वो तो पूरा हो जाएगा धीरे धीरे, प्रॉफिट ना हुआ था कुछ सीखने को मिला, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर प्रॉफिट अगर ना हुआ तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंपोस्ट की रिकवरी करना तो मुश्किल की बात है। जो किराया, जब जैसे बहुत से ये भी कह रहे थे कि हमने इतना किराए पे लिया है वो उतना खर्चा लग गया, अब क्या करें, ये रोग आया उसमें, जैसे वो रोग आया था कि वेट बबल वाला रोग आ गया, तो उसमें उनका किराया लग रहा था, तो वो सब मत कीजिए। आप छोटे से लेवल पर कीजिए, पहले 1 साल कर लीजिए छोटे लेवल पर, बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा से समझ में आ गया है तो फिर बड़ा कीजिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, तो मैं अगर कुछ छूट गया हो तो बताना, और मैं थोड़ा बहुत आपका कमेंट, जैसे मैंने अभी पोस्ट की थी कि मैं कल ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहला कमेंट ये है कि हम सबसे अच्छी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब यही है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग सभी से मिल जाएगी, बस वह एक देखिए कि सरकारी संस्थान होते हैं बहुत से जहाँ ट्रेनिंग मिलती है, तो वो सब अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा या फिर हाँ ऐसा हो सकता है कि तरीका अलग अलग हो सबका, थोड़ा बहुत अलग चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन सब अच्छे होते हैं। और किसी बड़े फार्म से जो पहले से ज़्यादा ट्रेनिंग देते आ रहे हो तो उनसे ले सकते हो, किसी ऐसे फार्म जैसे हमारे पास भी, मैं रिकमेंड नहीं करता कि हमारे पास कोई आए ट्रेनिंग ले या फिर देखी भी, देखने को क्या है, हमने पूरा यूट्यूब पे बता रखा है। तो किसी सरकारी संस्थान को देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखिए, वहाँ पे जाइए, आपके पास में जो भी है तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग अच्छी मिल जाएगी, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि हमें इतने रुपए दे दो या फिर इतने दे दो, हम इतने टाइम में सिखा देंगे, तो कुछ नहीं है, आप सरकारी संस्थान में जाइए और 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनका, और आपको डॉक्टर वगैरह के जो भी नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम बाद में आती है सीजनल फार्मिंग करते हुए तो उनसे सपोर्ट मिल जाएगा आपको, वो ऐसा भी नहीं कहते कि हमें टाइम नहीं है या फिर हमें हम नहीं बताना चाहते आपको।
तो वो सब भी कुछ नहीं होता है। तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखिए, और साथ में एक क्वेश्चन ये है कि पर बैग कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो मैं हमने आपको बता ही दिया, लगभग 1 kg से भी कम ही हुआ। और साथ में तो बाहर ज़्यादा वो हो रहा था कि अंधेरा हो गया, तो मैं भी आपको बता देता हूँ पर बैग टोटल प्रोडक्शन कितना है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, 1 kg से भी कम ही था। और एक ये विशाल भाई की तरफ से ये क्वेश्चन है कि क्या हम जो पैकिंग करते हैं तो उसके ऊपर हमें एक लेबल लगा सकते हैं कि कितने उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, तो लगा सकते हो लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अभी ये पूरा हॉल खाली हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इको आ रही है, गूंज रही है आवाज़ मैं। और एक क्वेश्चन ये था, मैंने सिर्फ कहा था कि आप जो प्रोडक्शन और इससे रिलेटेड ही वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। थोड़े क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि मशरूम का खुलने का प्रॉपर रीज़न, तो प्रॉपर रीज़न यही है कि आप नमी ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, तो यही है। बाकी आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा पूरी डिटेल के साथ मिल जाएंगे, तो आप वो देखिए। प्रदीप भाई कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम कीजिए, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि लाइव स्ट्रीम कर तो दूंगा मैं आपको, कर दूंगा लाइव स्ट्रीम, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लाइव स्ट्रीम में, 2-3 घंटे का पता भी नहीं चलता कि कैसे चला गया, कमेंट कमेंट पढ़ते ही। तो एक टॉपिक पर बात करना मुश्किल हो जाता है लाइव स्ट्रीम में, तो कमेंट के भी जवाब देने होते हैं, तो उसके लिए लाइव स्ट्रीम में टॉपर बात करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और कर दूँ लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है, और साथ में इतना लंबा कोई लाइव स्ट्रीम देखेगा नहीं, बहुत कम देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों तक मैसेज जाए कि क्या करना चाहिए या फिर कैसे, वो वीडियो बेटर है। लाइव स्ट्रीम भी मैं कर दूँगा जल्दी, कोशिश करूँगा कि जल्दी कोई लाइव स्ट्रीम करूँगा आपके क्वेश्चन भी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है लाइव स्ट्रीम करे हुए, तो वो भी करूँगा मैं जल्दी। और प्रदीप भाई बोल रहे हैं कि सारा खर्चा भी बताना, जैसे स्पोन का कितने का आया और ट्रे पैकिंग मार्केट में क्या भाव मिला, तो वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक जानकारी थी वो तो। और विश्वास गुप्ता भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई 25% प्रोडक्शन का क्या रहा, भाई आप कौन से 25% प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता किस परसेंट की बात कर रहे हो आप। और कुछ पोस्ट के नीचे तो इतने ही सवाल थे, और अगर कोई सी वीडियो के नीचे है तो मैं अलग से आपको उसके अंदर रिप्लाई दे दूंगा, मैंने पोस्ट के जो पोस्ट करी थी तो उसी के अंदर कहा था कि मैं उसके रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ या फिर कितनी मशरूम निकली। समरी में बताऊँ तो 40 क्विंटल हमें मशरूम मिली और 4 लाख की टोटल सेल हुई, जिसमें से 3.5 लाख खर्चा आ गया और हमें बचत हुई 50,000 की, जिसमें कह सकते हो कि हमने सेविंग ही करी है ज़्यादा, जैसे लेबर वगैरह कम लगा के और वो सब। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिए सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो शायद लंबा हो गया होगा तो इसको तो खासकर ज़रूरी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर तो आपको पता ही है कि अगर कोई क्वेश्चन या फिर मैसेज करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश ज़रूर जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो ज़रूर कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी और भी वीडियोज़ आएंगे, जैसे हम ऐसी फार्मिंग करने वाले हैं तो थोड़ी बहुत उसके भी वीडियोज़ आएंगे, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलता है। और इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और एको कर रहा है, और ये रूम भी दिखा देता हूँ कि खाली करने के बाद किस तरह से है। भाई साहब ऐसे थोड़ा सा रूम है ये प्रॉपर फिक्स है, जैसे नीचे गाड़ी हुई है, तो ये और एक्यूरेसी देख सकते हो कि इतना ही पूरी लाइन में एक में, और ये भी पूरे एक सीध में है बिल्कुल, साथ में इस साइड में भी देख सकते हो ये पूरी एक सीध में है, पूरा ग्रेस लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पूरे में एक जैसे है।
तो इसके अब आगे हम पार्टीशन अलग अलग करने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपको चैनल पर अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।